अभी आपको बताएं कि फ्रांसीसी सदर ने बदनाम जमाना फ्रांसीसी मैगजीन की जानब से गुस्ताखाना खाके दोबारा शाया करने के नापाक इकदाम की मुजम्मत करने से इनकार कर दिया है। बैरूत में दौरे के दौरान एक सहाफी के सवाल पर फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हमारे मुल्क में इजहार राय की आजादी है, ये मैगजीन से मुतालिक राय देने के लिए मुनासिब जगह नहीं। ये फ्रांसीसी शहरियों पर मुनहसर है कि वो एक दूसरे का एहतराम करें और नफरत से बचें। उन्होंने कहा कि ये वो जगह नहीं कि मैं बतौर सदर किसी सहाफी या न्यूज रूम के इदारती इंतखाब पर फैसला सादर करूं। हमारे पास आजादी सहाफत है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में तौहीन की आजादी है जो जमीन की आजादी से मुंसलिक है। मैं इन तमाम आजादियों के तहफ्फुज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ। फ्रांस में किसी सदर गवर्नर तौहीन मजहब पर तनकीद की जा सकती है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की जानिब से फ्रांसीसी मैगजीन की गुस्ताखाना खाके दोबारा से शाया करने के फैसले की शदीद मजम्मत की गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि ऐसे सोचे समझे अमल का मकसद अरबों मुसलमानों के जज्बात मशरू करना है। इस अमल को इजहार राय की आजादी का जवाब नहीं दिया जा सकता। दुनिया में अमन बैनुल मजाहिब हमांगी को नुकसान पहुँचता है।